कहाँ है लड़की? पहले दिन आ रही। घर से निकाल कर आपने बहुत अच्छा किया अजीज, हमारी हवा खर्च कर रहे थे कम वक्त। सुनिए ना, अब कोई नहीं है जो अचानक से बीच में धमक पड़े। सर की मालिश करवाएंगे? अरे हमारे सर की कर दो, बहुत दुख रहा है। ये किसकी आवाज है? ए बुड्ढे, कौन हो तुम और तुम लोग बिना इजाजत के यहाँ आए कैसे? चलो निकलो यहाँ से। बहुत अरम खटखटाते नहीं हैं। आदत की बात है, अल्लाह का करम है, बिरयानी गरम है। है कौन आप लोग? क्या ये मशहूर नामचीन मारूफ ठेकेदार अली बाबा का घर? नहीं, ये घर उस आवारा का नहीं है, मेरा है। तुम हो कासिम, मुस्तफा के बेटे। बदकिस्मती से कहो कैसे आना हुआ, तुम्हें भी लूटा है क्या उस फरेबी मुस्तफा ने? देखना क्या लिखा है, फरेबी मुस्तफा, धोखेबाज मुस्तफा, झूठा मुस्तफा, ये कमाया है तेरे अबू ने। अरे नहीं नहीं, लुटेरों को तो एड़ियों से बांधकर उल्टा लटका दिया करते थे मुस्तफा। बड़े अजीज दोस्त है हमारे, अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे। बातों बातों में तारुफ तो रहेगा। हम मूसा निगारों के मसीहा, अल्लाह का करम है, बिरयानी गरम है। हमने सुना है सुल्तान ने यतीम खानों के लिए खैरात देना रोक दिया है। हाँ सही सुना है, तो बुरा लगा सुनकर, वाकई में बहुत बुरा लगा। सादिनारी स्वादिनारी देंगे हम आपको इन बच्चों की तालीम और तंदुरुस्ती के लिए। स्वादिनारी और तुम इन बच्चों का ख्याल रखोगे, हम जानते हैं, क्योंकि तुम मुस्तफा के बेटे हो। रखेंगे ना हजरत, जरूर ख्याल रखेंगे, बेशक। खड़े क्या है, चाहिए कहाँ हजरत? अरे उन नन्हे फरिश्तों से नहीं मिलाएंगे आप हमें? अरे बिल्कुल मिलवाएंगे आप, चलो निकलो यहां से। मिलवाएंगे हजरत, जरूर मिलाएंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि वो जरा बाहर खेलने गए हैं। बाहर गए? हाँ, हमें तो नहीं दिखे। बड़े खिलाड़ी हैं सब, खेलते खेलते आगे पीछे चले गए होंगे बस। हाँ। इस दहशत भरे माहौल में अपने बच्चों को आगे पीछे कर दिया। लाहौल वाला खुआ। मूसा, यहाँ तो बच्चों का कोई ख्याल ही नहीं रखा जा रहा। हम तो कहते हैं ये 100 दिनारी किसी और जरूरतमंद को दे देते हैं। चलो। नहीं, ये मेरे दिल के टुकड़े हैं वो सारे बच्चे। इमाद, नफी, अलीफी, गुलरेज, पांचवे का नाम क्या है? पोया। आप पोया? पोया भी। अजीज अभी ले आएंगे बच्चों को, जाइए ना अजीज, बच्चों को ले आइए। हाँ, बैठिए, तशरीफ रखिए, मैं उन्हें ले आता हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना उन्हें बाहर मत भेजो, इस वक्त आप बैठिए।
कहीं मत जाइएगा। जाइए, जल्दी आइएगा। आप तशरीफ। बिरयानी कहाँ गई? चलते रहो चलते रहो, बाबा ने कहा था कासिम भाई जरूर आएंगे। चलो चलो आ रहे हैं, चलो 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 चलो। अरे बच्चों, अरे रुको तो, कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ भागे जा रहे हो? रुको 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 रुको, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं परवाज छोड़कर, अब हमारा यहाँ कोई घर नहीं, आप ही ने तो हमें घर से निकाला था। अरे रुको रुको रुको, ऐसा कैसे घर नहीं है? तुम्हारे कासिम भाईजान का घर है ना। देखो गलती तो इंसान से ही होती है ना, और घर में ऐसे छोटे मोटे झगड़े जो है ना होते रहते हैं। चलो घर लौटने का वक्त हो गया, चलो आओ आओ चलो। नहीं, जब तक आप हमसे माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम घर नहीं लौटेंगे। हमसे माफी नहीं मांगेंगे? मुझे माफ कर दो, चलो। ऐसे नहीं, तमीज से। मेरे जिगर के टुकड़ों, माफ कर दो मुझे। अब चले, चलो चलो फटाफट चलो। नहीं नहीं, एक शर्त और। तुझे शर्त और है, आज से हम सब एक नान ज्यादा खाएंगे, और हमें एक अलजेब्रा की नई किताब चाहिए, और मुझे एक शाही लिबास, और मुझे शाही सड़क पे मिलने वाला गुड़िया का घर। अरे हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं सब ले दूंगा, सारी शर्तें मंजूर है मुझे। अब घर चले, चलो। नहीं नहीं, अरे अब क्या हुआ? तारीख कब है? ऐसे बड़े बड़े फैसले हाथ मिला के किए जाते हैं। अब चलें? चलो 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 चलो। सिर्फ दिनारों के चक्कर में इन कमबख्त यतीमों को घर लेके जाना पड़ रहा है। वाह बाबा, क्या तरकीब निकाल, उसने घर से निकाला था वही वापस लेके जा रहा है, वो भी मारे शर्तें मार के। हजरत, ये है मेरे बच्चे, मेरे प्यारे से मासूम से जिगर के टुकड़े। मेरे भी। हाँ। माफ कीजिएगा, इन्हें यहाँ लाने में थोड़ी देर हो गई, खेलते खेलते थोड़ा दूर तक निकल गए थे। बच्चों, ये है हजरत मूसा। हाँ हजरत मूसा, सलाम करो सलाम करो। सलाम सलाम। जरा यहाँ पे आओ, माशाल्लाह माशाल्लाह। जाओ 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 जाओ। कितने प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, गोल मटोल दिखने वाले, तंदुरुस्त एकदम है ना। और आप जरा यहाँ पे आइए, आप तो खास तौर से बड़ी शरारती दिखती हैं। जरा मुंह खोल के अपने दांत दिखाओ। भाई माशाल्लाह, पूरे 34 हैं, 2 ज्यादा हैं, 2 हमें दे दो। मेरे प्यारे बच्चों, थक गए होंगे ना खेल खेल कर, चलो चलो अपने कमरे में जाकर आराम करो। मैं तुम लोगों के लिए कुछ मीठा बनाकर लाती। चलपक। ओहो, चलपक खाओगे? हाँ क्यों नहीं, अब मेरे लाड प्यार ने पिकाड़ के रखा है। हाँ। बच्चों को। चलो बच्चों, अल्लाह हाफिज। जाओ बच्चों, अपने कमरे में जाओ। हाँ। जाओ जाओ, अल्लाह हाफिज। अरे रुकिए हजरत, आपने कहा था ना बच्चों के लिए कुछ देने वाले हैं आप। 100 दिनारी। हाँ 100 दिनार, वो हम आपको हर महीने की अव्वल तारीख को बच्चों को देखने के बाद देंगे। चलिए, देखा तो सही आपने बच्चों को, अभी
कितने खुश थे बच्चे, तो अभी दे देते तो। जल्दी का काम शैतान का होता है और हम तो कुछ ज्यादा इंसान है। चलिए, अल्लाह का करम है, बिरयानी अब भी गर्म है। चलिए चलिए चलते हैं, अल्लाह हाफिज। अव्वल तारीख 100 दिनारे। अल्लाह का शुक्र है बच गए। लेकिन कब तक छिपते फिरेंगे ऐसे? मामू जान के लोग हर तरफ फैले हैं। कासिम भाई को लालच तो दे दिया, अब ये 100 दिनारे का इंतजाम करोगे कहां से? क्या करेगा भिटैली, क्या करेगा दिमाग लड़ा? अली, कासिम भाई ने बच्चों को घर में ले लिया। हाँ वो अली, तुम नहीं जानते आज मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ? शाही सड़क की वो जो रजिया बीबी है ना, वो अपने जेवर बेचकर बगदाद जा रही। दरअसल उन जेवरों में एक हीरे का हार हमारी अम्मी का हुआ करता था। अम्मी को वो हार चाहिए और ये मनहूस रजिया बीबी उस हार का 100 दिनारी मांग रही। अब तुम ही बताओ, एक दिन में एक साथ 100 दिनारी कहाँ से लाए हम? तुम फिक्र मत करो, हम सोचते इस बारे में बैठे कुछ। अम्मी ने भी यही कहा था और मैंने उनसे कहा कि सोचने का काम तो अली का है। हमें वो हार चाहिए हमारी अम्मी के लिए। मैं करता हूँ 200 दिनारे का इंतजाम। अली, 200 नहीं, सिर्फ 100 दिनारी का इंतजाम। हाँ, 100 दिनारी, 100 दिनारी का मैं करता हूँ इंतजाम। तुम दो सौ दिनारी का इंतजाम कैसे करेगा अली? हाजरीन, बदलते वक्त के साथ हम सबको बदलना होगा। इस मुश्किल वक्त में और इन हालात में वही बच पाएगा जो बदलते वक्त के साथ चल पाएगा। अगर 40 चोरों ने फिर से हमला कर दिया तो परवाज दहशत के इस खौफनाक मंजर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए आवाम को अपनी हिफाजत खुद करनी होगी, अपना मुहाफिज खुद बनना होगा। एक ऐसी खुफिया सुरंग बनाकर जिसमें अपना सारा सरमाया, अपना जाती खजाना, अपनी बचत रख सके, ताकि 40 चोर कभी हमारी जायदाद न लूट सके। और इस सुरंग की हिफाजत के लिए हमें एक पहरेदार की जरूरत होगी। तो बताइए, कौन करना चाहेगा इस सुरंग की पहरेदारी? पहरेदारी के लिए दीनारी भी अता की जाएगी। मैं करूंगा। परवाज की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी होगी। क्या कर रहा है बाबा, दिमाग चकरा गया क्या तेरा? एक से दाढ़ी तो करा नहीं पाता हूं मैं, पहरेदारी कहां से करूंगा? चुप कर गुसरो, ये काम करने की दिनानी मिलेगी और 40 चोरों की खबर। हम तैयार हैं। तो बताएं क्या मेहनताना होगा, कितनी दिनारी लोगे? 50। क्या बात कर रहा है यार, ये क्या कर रहा है पप्पू? मामूली गले के लोगों से परवाज को पहरेदारी चाहिए, ये बदमाश और परवाज की पहरेदारी करेंगे। 20 दिनारी महीना। दिनारी 20, चोर 40, बड़ी ना इंसाफी है। 30। इतने में तो अपने घर से पहरेदारी कर पाएंगे हुजूर? घर से बाहर निकल के ही काम करना पड़ता है बरखुदार। दिनारी अगर नहीं बढ़ाई तो वो दिन दूर नहीं कि काम अपने घर से ही करा करेंगे। 50। 100। उससे एक दिनारी कम नहीं। अबू, हमने कहा था ना आपसे, ये लड़का जबान लड़ाने के अलावा और किसी लायक नहीं है। आप ये काम क्यों करवाना चाहते हैं इससे? चल खुसरो, क्या है कि अच्छा काम सस्ते में नहीं होता। चलो चलो चलते हैं, चलो निकल। जियाब दाली अब नहीं मानेगा। 100 दिनारी ज्यादा बोल दिया अली, 50 में मान जाएं क्या? मामूली गली के लोग किसी लायक नहीं है तो हम भी जानते हैं, इसीलिए तो चाहते हैं कि पहरेदारी ये करे ताकि 40 चोरों के हाथों ये मारा जाए और परवाज का सारा खजाना हमारा हो जाए।
70 दिनारी, से एक दिनारी ना ज्यादा ना कम। तो परवाज को हमारी पहरेदारी मुबारक हो। पहरेदारी का काम अगर आवाम करेगी, दरोगा क्या करेगा, दरोगा क्या करेगा। सलाम जी अब्दाली, सुल्तान सद्दाम ने हमें इस परवाज का नया दरोगा मुकर्रर किया है। आइए हमें आपसे कुछ पोशीदा गुफ्तगू करनी है। पोशीदा गुफ्तगू, पोशीदा गुफ्तगू। खुसरो, मैं अभी आया। रेवर, ये रही शाही लड़कियां, इनमें से एक आपकी अमानत है। ये है मेरी अमानत। कन्वर्ट करो इन सबको हमारी नजरों के सामने से। इसमें से कोई भी शहजादी नहीं थी। अपने रहबर की पहली अदायत भी पूरी नहीं कर पाए तुम बेजार। वो शहजादी जो कभी महल से बाहर नहीं निकली, भूली सी, नाजुक सी, वो तुम्हारे खूंखार दिखने वाले खुर्रम को चकमा देकर निकल गई। नहीं रहबर, पूरे परवाज पे हमारी नजर है। इस बार शहजादी हमसे बच गई, लेकिन अगली बार वो बच नहीं पाएगी। मेरा वादा है आपसे, मैं उसे लेकर आऊंगा आपके पास। क्या बाबा, अभी इतने जल्दबाजी में मुझे नहलाने के लिए लेकर आए? नहाना नहीं। अच्छा एक बात बता, ये तो क्या कह रहा था कि अपने हमाम से शाही सड़क के लोगों की बातें सुनाई पड़ती हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने तो पूरी तहकीकात करके रखी हुई है। कौन सी नली किस दीवार से होकर किसके घर में जाती है और उसकी आवाज कहाँ से सुन सकते हैं? मुझे जिया अब्दाली के घर की बातें सुननी है। पर बाबा, दूसरों के घरों की बातें सुनना अच्छी बात नहीं। चल चल, पापा को मत सिखा, जितना कहा उतना कर। मेरे बाएं हाथ का खेल है। कोई आवाज नहीं आ रही यहां से। लगता है कुछ हम भूल हुई। इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए बरखुर्दा। सुल्तान सद्दाम ने आवाम को बताया था कि शहजादी सुल्तान की मौत के सदमे में, पर सच तो यह है कि शहजादी गायब है। क्या? और सुल्तान सद्दाम ने यह हुक्म दिया है कि इसे खुफिया रखते हुए शहजादी को ढूंढना होगा, और जो कोई शहजादी को ढूंढ के लाएगा सुल्तान खुद उसे 1000 दिनारी देंगे। हजार दिनारी? It
इतनी तो गिनती भी नहीं आती मुझे। नफी, अगर हम 1000 दिनारी मिल गई ना तो जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा। हजार दिनारी और ऊपर से शहजादी के करीब आने का मौका, क्या पता काबुल शाही में रिश्ता ही जुड़ जाए। हम ढूंढ के लाएंगे शहजादी को। तो जरा ये भी बता दो कि तुम अकेले शहजादी को ढूंढोगे कैसे? अकेले कहां बुझा, अभी तो आपने काम पे लगाया मामूली गली के कीड़ों को। हम उनके पास जाएंगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे और उनसे कहेंगे कि हम साथ में मिलकर परवाज की पहरेदारी करते हैं, पर दरअसल हम कर रहे होंगे खोजबीन शहजादी मरियम की। शहजादी की खोज तो हम करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन 1000 दिनारी और पहरेदारी की 70 दिनारी सब हमारी होगी। आप बट्ठे दुआ। शहजादी मरियम मिलेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अलीबाबा को।